कल देर रात अपने कंट्रोल रूम में मैसेज आया था कि इस मकान नंबर 712 सेक्टर 16 में एक कृष्णा देवी हैं, करीब 80 साल की एज है उनकी, वो मृतक अवस्था में पड़ी है। जिस इन्फॉर्मेशन पे SHO और पुलिस मौके पर गई थी, उनके बेटे राकेश कुमार के बयान पे मुकदमा दर्ज किया है और इन अभी तफ्तीश चल रही है। तो घर पे नहीं था या क्या था? ये जो लेडी थी ये घर पे अकेली रहती थी। इसका बेटा दुकान करता है सेक्टर 9 में कपड़े की, वो उस समय कपड़े की दुकान पे गया हुआ था। तो जब वो वापस आया तब उसको पता लगा इस बात का, उसने अपने दूसरे भाई को बताया। जो दूसरा भाई है इसका, वो चंडीगढ़ में सेक्टर 23 में रहता है। वो उसको इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर ये मौका पर आए हैं, फिर उन्होंने हमारे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद FIR दर्ज कर दिया। चोरी वगैरह हुई? हाँ, इसके जो लेडी थी उसके हाथों में जो सोने के कंगन थे और कानों में बालियाँ थी, फिलहाल तक उसका पता लगा कि वो जो है वो वारदात करने वाले साथ हैं। इनकी जो बेटे की वाइफ थी वो छुट्टियों में सोलन की रहने वाली है, सोलन गई हुई है, अभी वो वापस आएगी, वो सही बात बता पाएगी भी क्या क्या सामान था और क्या क्या चीज गई। एक पता चल रहा है कुछ फाइनेंस वगैरह का काम भी था इनका? हाँ, ये लेडी जो है, ओल्ड लेडी जो है, ये कमेटीज वगैरह का और छोटा मोटा फाइनेंस का अपने लेवल पे भी काम करने के बारे में पता लगा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, तो अभी पोस्टमार्टम होएगा, इसके बाद कॉज ऑफ डेथ भी, किस वजह से, किस चोट से मृत्यु हुई है, उसके कारणों का पता लगेगा। प्लस पुलिस अपने अपने हर एंगल पे इसकी तफ्तीश कर रही है। CCTV में एज सच अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला, क्योंकि उस लाइन के अंदर कहीं भी CCTV फिलहाल ऐसा पता करने पर पता लगा भी कोई अवेलेबल नहीं लगा हुआ, किसी इंस्टॉल नहीं करवाया हुआ था। बाकी पुलिस अपने लेवल पर कर रही है। एक्चुअली मैं तो चंडीगढ़ में था, मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। मेरे बड़े भाई सब माता जी के साथ रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो जब वो शॉप से आए तो उन्होंने देखा भी माता जी नीचे गिरे हुए थे और उनके मुंह से ब्लड चल रहा था। तो उन्होंने आते ही मुझे सबसे पहले लैंडलाइन पे फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे बात होगी। तो जैसे मैंने उनको कहा भी आपने किसी चीज़ को आग नहीं लगाना, मैं विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट में कोठी पर पहुँच जाता हूँ। जब मैंने इन द मीन टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर अश्विनी नैयर, उनको भी फ़ोन कर दिया मैंने, वो भी मेरे साथ साथ ही यहाँ पहुँच गए। उन्होंने आगे देखा तो माता जी को उन्होंने कहा भी 4-5 घंटे पहले इनका मर्डर हो चुका है, डेथ हो चुकी है। माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम कृष्णा अरोड़ा। उम्र? उम्र तकरीबन 75 और 77 के हिसाब, 80 के करीब थे। क्या लग, घर में कोई नहीं था उसका? उस समय घर पे कोई नहीं था। तो कहीं क्या लग रहा है, लूटपाट है या क्या है? हाँ, लूटपाट तो है ही, लूटपाट। हाँ, सामान सारा गया उनके, अपना सारा जेवर गया और कैश गया। हाँ। और एक अलमारी भी टूटी हुई है, अभी वो उसके बारे में अभी इतना कह नहीं सकते उसमें क्या क्या था। हाँ, तो उसको टाइम लगेगा। शक क्या किसी के बारे में? अभी शक के बारे में ऐसे कुछ नहीं कह सकते, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो जो सामने आएगा उस हिसाब से, जो कुछ हम उनको बता रहे हैं कुछ वो भी अपनी तरफ से क्लियर ढूंढ रहे हैं, पता लगेगा।